नमस्कार दोस्तों, पिरामिडल गुरु जी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा हम राजस्थान पिरामिडल काउंसिल के द्वारा तृतीय काउंसलिंग व मॉपअप राउंड की प्रतीक्षा सूची के संबंध में बात करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान पिरामिडल काउंसिल जयपुर द्वारा 2019-20 में विभिन्न पिरामिडल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तृतीय काउंसलिंग व मॉपअप राउंड में उपस्थित अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ विकल्प पत्र प्रस्तुत कर प्रतीक्षा सूची हेतु आवेदन किया गया था, उन्हें उनकी वरीयता के अनुसार महाविद्यालय या पाठ्यक्रम आवंटित किए जा चुके हैं, जिसकी सूचना राजस्थान पिरामिडल काउंसिल जयपुर की वेबसाइट www.rajasthanpyramidalcounseling.org पर दिए गए थर्ड काउंसलिंग वेटिंग अलॉटमेंट लेटर 2019-20 लिंक को जाकर अभ्यर्थी अपनी एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि से प्राप्त कर सकता है। काउंसलिंग वेटिंग अलॉटमेंट लेटर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही आरपीएमसी ने एक और नोटिस जारी किया है जिसमें आपको महत्वपूर्ण बातें बताई गई। चलिए उस नोटिस को देख लेते हैं। ये आरपीएमसी द्वारा कॉलेजों के लिए कुछ इंट्रैक्शन लेटर है जिसमें आपको महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। 2019 के तृतीय काउंसलिंग की प्रतीक्षा सूची में आवंटित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हेतु दिशा निर्देश उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख था कि 2019-20 के विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तृतीय काउंसलिंग की प्रतीक्षा सूची द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता अनुसार वरीयता अनुसार पाठ्यक्रम महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं। तृतीय काउंसलिंग की प्रतीक्षा सूची में दिनांक 8/11/2019 को जारी किए गए आवंटन पत्रों के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 15/11/2019 4:00 से पूर्व अपनी उपस्थित आवंटित महाविद्यालय संस्था में देनी है। निर्धारित समय तक उपस्थित देने वाले अभ्यर्थियों को महाविद्यालय संस्था में प्रवेश देने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिसमें बताया गया है कि आपको 8/11/2019 से लेकर 15/11/2019 तक जो भी अपने कॉलेज मिली है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करानी है, मतलब आपको एडमिशन लेना है, उसमें रिपोर्टिंग दर्ज करवानी है। प्रवेश सूची में नाम एवं महाविद्यालय एवं संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों की कक्षा 10 एवं 12 की मूल अंकतालिका प्राप्त कर बारहवीं कक्षा के कुल प्राप्त अंकों को मिलान प्रवेश सूची से दिए गए अंकों से करें। आपको रिपोर्टिंग करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाना है, तभी आपकी रिपोर्टिंग दर्ज होगी। तो सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र और राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 30 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। अन्य दस्तावेज जो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रस्तुत किए गए हो, जैसे फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, WPP सर्टिफिकेट जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हो। इसके अलावा जो थर्ड काउंसलिंग में जो भी इंट्रक्शन दिए गए, इस PDF की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से पूरे स्टेप पढ़ लीजिए। इसके बाद में आप जब भी एडमिशन लेते हैं, जब भी कॉलेज में रिपोर्टिंग दर्ज करवाते हैं, तो एडमिशन के पश्चात जब फीस जमा करवाते हैं तो आप उसकी रसीद जरूर लेवे। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।